एक मंदिर जहां रहती है एक आत्मा। माँ दुर्गा के साथ मंदिर में है एक औरत की आत्मा का वास। क्या है आत्मा और परमात्मा के इस मंदिर का राज? यही है मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित माँ दुर्गा का वो मंदिर। दिन के समय यहाँ श्रद्धालु माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ एक भी इंसान नहीं दिखता है। न ही मंदिर का पुजारी यहाँ रात के वक्त रुकता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में रात के वक्त यहाँ भटकती है एक औरत की आत्मा। थाने लोगों का मानना है कि यहाँ शाम होते ही सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की आत्मा अपना डेरा डाल लेती है और फिर यहाँ उसके अलावा कोई और नहीं दिखता। अब आपको बताते हैं इस मान्यता के पीछे की कहानी क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण देवास के महाराज ने करवाया था, लेकिन मंदिर के बनने के बाद से ही यहाँ हादसे होने शुरू हो गए थे। देवास के महाराज की बेटी को सेनापति से प्रेम हो गया, लेकिन महाराज को ये बात स्वीकार नहीं थी कि राजकुमारी उनके सेनापति के साथ रहे। राजा ने अपनी ही बेटी को महल में बंदी बना दिया। सेनापति से जुदाई के गम में राजकुमारी की कुछ समय बाद मौत हो गई। ये खबर मिलते ही सेनापति ने भी दुर्गा के इस मंदिर में अपने प्राण त्याग दिए। सेनापति द्वारा इस मंदिर में प्राण त्यागने के बाद पुरोहित ने राजा को आदेश दिया कि ये मंदिर अब अपवित्र हो चुका है, इसीलिए यहाँ से पुरानी मूर्ति हटाकर नई मूर्ति स्थापित की जाए। ऐसा होते ही यहाँ अप्रिय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भोग में देवी दुर्गा को बलि दी जाती है। सूरज ढलते ही यहाँ एक महिला की आत्मा भटकने लगती है। हालांकि अभी तक यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन उपरोक्त सभी बातें स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई घटनाओं पर ही आधारित हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।